बताया था आपको कि बेबी को नलाएंगे सोनिया की रात न रोनी खोज टो हम। हले बापू, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। उसी के साथ आज आप देख सकते हैं बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, लेकिन ये मत सोचना धूप निकली हुई है तो यहाँ पे कोई गर्मी है। यहाँ पे जैकेट पहन के मैं हूँ और मम्मी कह रही है बाहर मत आओ, बाहर का सुता जाडा है। तो आज आज क्या प्लान है मम्मी? तो आज प्लान ये है, मम्मी को मैं बता देता हूँ, मम्मी को भी नहीं पता होगा, बेबी नुआंग आई। यस, तो आज बेबी को नहलाएंगे आफ्टर, लाइक आफ्टर क्या, फर्स्ट टाइम नहलाएंगे। कहना है मम्मी का उसको सावड़ सावड़ बोली शावड़ का डांग आने क्या है। और वैसे तो यहाँ बोलते हैं कि 10 दिन तक मत नहलाओ, क्योंकि जैसे वो कोड वगैरह एडजस्ट हो जाती है ना, तो ड्राई आउट हो जाती है, तो उसके बाद ही नहलाने के लिए वो बोलते हैं यहाँ पे मिडवाइफ वगैरह। लेकिन मम्मी कह रही है नहला दो, फ्रेश हो जाएगी। तो अच्छी धूप निकली हुई है, तो बाहर तो ठंड है लेकिन अंदर ये धूप इज रियली गुड, गर्म रहेगी। अभी मैं उसका टब वब तैयार करता हूँ। तो वैसे तो अभी सुबह है, तो टब वब निकाल के जब तक जिस रूम में बेबी है वहाँ पे 12 बजे के आसपास धूप आती है। अभी पीछे वाले रूम में बैक गार्डन वगैरह में, तो उसकी तैयारी करते हैं। चलो देखते हैं बेबी ने रात रात ने मम्मी क्या होया, रात ने दिन में ज्यादा सोगी तो रात ने खेल लगी बेबी। तो बेबी रात को खेलती है, थोड़ी सी रोती होती है, दूध पीती है, फूफू करती है, सारे काम रात को करती है, दिन में सोती है। और अब दिन में ऐसी सो रही है, मम्मी बेटा दोनों सो रहे हैं। ना मैं रात को सोया तो था, आज मैं थोड़ा सा देखूंगा दोपहर में, एक दो घंटे का नैप ले लूंगा ना। हाँ, मैं उसका फिर बेबी का फीड वगैरह भी दिया था, बेबी की माँ का भी फीड देना है ना, उसका भी ले गया था। और बाकी खुद भी तो उठा जी, भूख भी तो लग गया है, बार बार उठा है। तो नींद का तो ऐसा है, जितनी लो जितनी कम करोगे उतनी कम हो जाएगी, बढ़ाओगे बढ़ जाएगी। तो अभी तो आज पहला दिन है, आज मेरे को जॉब वॉब पे नहीं जाना, तो मैं घर पे ही हूँ। विल वर्क इट आउट, थोड़ा सा कुछ सामान भी लेके आना है तो बाहर भी जाके आना है, पापा को घुमा के लाता हूँ, मम्मी को। मम्मी चल आई या तू रह रही है बेबी के पास रहेगी? हाँ, बीच में कुछ ही हो जाए, एकदम मैं बेबी इन फीट चाहिए हो जाए ना। तो ये था आज का प्लान, तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहे। तो अभी यहाँ पे हैं मम्मा बेटा और गुड मॉर्निंग, हाउ यू डूइंग, हाउ वाज योर नाइट? बट आप ही बताओ कैसी थी, आप भी थे साथ में। तो इट वाज ओके, बस बच्चा थोड़ा दिन में शायद ज्यादा सो ली थी, तो थोड़ा थोड़ा उठ रही थी बीच बीच में हर 2 घंटे में, और खेलना चाह रही थी रात को, हम कह रहे थे सो जा बेटा, और वो खेलना चाह रही थी। मम्मी भी आई एकदम में कि छोरी का क्यों रहे है, सोवे क्यों को नहीं। मैं मम्मी ये थोड़ी सी खेलना चाहती है। दो बारी आई, मैंने कहा मम्मी अब मत आना, आप परेशान मत हो, ये ऐसी अभी एक्टिव होने के चक्कर में, तो इसलिए मम्मी कहती ठीक है। आज इसको वैसे मैंने बताया था आपको कि बेबी को नहलाएंगे, अभी तो धूप है नहीं और अभी तो 10:30 ही बजे, तो थोड़ी देर में बेबी को नहलाते हैं, अभी इसको एक झपकी और लेने देते हैं। अगर अभी रोई अभी पापा के पास जा रही है, कोई बात नहीं, पापा इज फॉरएवर फॉर दिस बेबी। तो मम्मी यहाँ पे आ गई है और वो सो रही है। मम्मी क्या है यार, दिन में सोनी रात न रोनी खोज टो बड़ा बजा बजा भाई। अच्छा दादी कर रहा कर दी ने, अच्छा सी रोया कर दो मां ने, बंदी के करो दिन में सोनी की रात न रोनी खोज टो। तो ऐसे ऐसे डायलॉग हैं जो मेरी दादी बहुत अच्छे डायलॉग मारा करती है ना, एक एक नंबर के डायलॉग मारा करती है मेरी दादी, लिख के रखने चाहिए थे। बिरन बात कितने ले आया करती दादी ना, नारी नारी डाल की बात लिख के रखने चाहिए थे। अलग अलग प्रोफेशनल बातें, और दादी और दादी की बाण थी वह भी दूसरी दादी ने, दोनों दादी मतलब बातें अच्छी अच्छी कराया करती, हमें याद है ज्ञान की, मतलब है ना सारा अपना गर्म ठंडे का भी ध्यान रखना। मेरी दादी कभी दिन में नहीं ना आया करती, ना दिन में, सर्दियां तो दिन में ना आया करती, सर्दियां दिन में ना, अच्छा गर्मियां हम दिन में नहीं ना आंदी, गर्मियां तो रात ना ना की आराम दे, और चौधरी उड़ गई और सीधी कड़क थी दादी, सीधी सोया करती नहीं।
एकदम तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज बेबी नहाने वाली है, उसी के साथ वहां पे मम्मा तैयारी कर रही है गलम गलम पानी इन अ टब, और ये कह रही है, और वहाँ हीटिंग लगा दी है, सब कुछ सारा सिस्टम रेडी टू रॉक एंड रोल. बेबी आर यू हैप्पी? Are you happy, baby? Excited? Yes, we are excited too. Let's do it. तो जल्दी से अभी मैंने मम्मी को बुलाया है वहीं पे ही. हाँ, और मम्मी बताएंगे हमें कैसे नहलाना है. काट दिया वो सालड़ो. आ जा, तो सालड़ो काट के आ जा भाई. तो मम्मी रेडी हैं, दादी जी रेडी हैं, बच्चा रेडी है, मम्मी रेडी है, सब रेडी है, पानी भी रेडी है, लेकिन बच्चा छुपा हुआ है. बच्चा कह रहा है मैं नहीं आऊंगा बाहर, मैं नहीं नहाने वाला. ओ बच्चा नहा लिया सैजी, बच्चा नहा लिया रे, आज तो धूप भी निकल रही सै वही. तो अभी बेबी को नहला धुला के उसकी मम्मी भी नहा ली है. बेबी हैविंग फीड. यहाँ पे मम्मा आज क्या बना रहे हो? हलवा. तो इस समय मम्मी के लिए बनाते हैं हम हलवा, और हलवा एक नंबर हलवा बन रहा है यहाँ पे. जैसे भैया बताते थे ना पहले एक नंबर हलवा, तो वो एक नंबर हलवे यहाँ बन रहे हैं. अब लोकेशन चेंज हो गई है हलवो, एक नंबर हलवो की. यहाँ पे कच्चा कच हलवे बन रहे हैं, उसी के साथ खाना वाना खाएंगे हम. हलवा पूरी पाटेंगे. लो बेटा हलवा खाओ. और ये बेबी कहाँ है? छुपा हुआ है. तो बात ऐसी है, मैं भी नहा लिया हूँ, बेबी नहा धो के, मम्मी और बेबी दोनों सो रहे हैं, और सोई सो रहे हैं आज. नहा के उठने का कोई नाम नहीं है. अभी बज गए हैं 4 बज गए, और बाहर बिल्कुल अंधेरा हो रखा है. हमने लाइट जला रखी है, बारिश आ रही है. और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बेबी के छोटे छोटे कपड़े, इतने सारे, एक दिन में तीन तीन चार चार जोड़ी करते हैं महल का. तो ये भी एक अलग ही फीलिंग है, इतने छोटे छोटे कपड़े सुखाना है मम्मी. मम्मी मेरे को यहाँ पे बैठ के देख रही है. मम्मी कह रही थी मैं सुखा दूंगी, लेकिन मैं बोला लाओ मैं सुखा दूंगा, छोटे छोटे कपड़े हैं, अलग ही फीलिंग आएगी. तो ऐसे ही हमारा दिन जा रहा है. तो खाना खाने के बाद मैं नहाया था, बेबी को नहलाने के बाद खाना खाया था, खाना खाने के बाद नहाए, नहा के सो लेना चाहिए था ना दिन में मेरे को. मम्मी वो बेबी और मम्मी तो सो लिया, अगर रात में कोई दूध मांगा हो, कोई किम्मा मांगा हो, कोई पानी मांगा हो, ऊपर नीचा नहीं सके. तो एक काम करूंगा मैं ना, ट्राई करूंगा जल्दी 8 बजे सोने की ना, तो 12 बजे तक, क्योंकि वो सोएंगे 10-11 बजे, तो 12 बजे तक एटलीस्ट मेरी 3 घंटे के आसपास की नींद पूरी हो जाएगी ना. आपको बताते हैं जब उठते हैं, अपडेट देते हैं कैसा रहा. बेबी से तो पूछेंगे, बेबी की शक्ल से ही पता चल जाएगा. बेबी रोया नहीं, नांदिया नहीं, मजे आए बेबी को ना. तो फाइनली अब जाके ये मम्मी बेटा यहाँ पे उठे हैं. कितने घंटे सोए थे हम लगातार? हम शायद 3 घंटे या 4 घंटे सोए. तुम नियरली, क्योंकि अभी 5 बजने वाले हैं, तुम 4 घंटे के आसपास सोए हो खा पी के, और वो तो ज्यादा सोई है मेरे ख्याल में आज ना के, है ना? अच्छी बात है. और वो बिल्कुल नहीं रुक रही है. अब तो भूखी उठी है ना ये 3-4 घंटे के बाद, लाइक 4 से भी ज्यादा ही, 4-1 होके लगा लो, बीच में एक आधी बार छोटा मोटा फीड ली होगी. तो शी इज हंग्री बेबी नाउ, शी नीड फीड. और व्हाट मम्मा नीड? और अभी मम्मी आ रही है तेल लेके तेरी मालिश करने के लिए. देख ले तेरे को ट्रीट मिल रही है, आ जाओ. मम्मी कहते काम ऐसे होते हैं, मम्मी पीछे से मालिश कर रही है, ये आगे से बच्चे को फीड दे रही है, पारो ना? और बेबी नीचे से फूफू कर रही होगी, तो ये भी डबल फीड कर काम कर रही है, एक तरफ से पी रही है, एक तरफ से नहीं कर रही. जाडा भीतर तो को लागन, जाडो मम्मी बाहर तो इसी हवा चल रहा है, सारा सो दो रहा है. पहले
कांट गो टुगेदर है ये बोल रहा है। दादा दादी का टाइम हो गया है, दादा दादी खिलाओगे? दादी तो आओ खिलाना भाई, दादी साथ तो खेला सा। ये अब अपनी दादी के पास कैसे बैठी हुई है देखा है दादी ने, दादी है दादू टाइम। तो खाना पीना खा लिया है, सब कुछ हो गया है, बेबी बीच बीच में सो रही है, उठ रही है, और उसी के साथ पारुल हाउ वाज योर डे? आधे से ज्यादा दिन तो तूने सो के निकाला है वैसे भी आज, है ना? आधे से ज्यादा दिन क्या, मैं सिर्फ 3 घंटे तो सोई। बॉप करा के सुलाएंगे और हम भी सो जाएंगे। सुबह से मैं भी पता नहीं किस काम में लगा हुआ हूँ, बहुत कितने चक्कर मार लिया होंगे मैंने अप डाउन। कल से रोहित कम से कम, कल मैं काउंट करूंगा, मेरे को लगता है मैंने कम से कम 50 बार अप डाउन गया सीढ़ियों पे। कितनी एक्सरसाइज हो गई, क्योंकि मैं लास्ट चक्कर में आया था ना, जो मेरी पीठ में ऐसा फील हो रहा था, पता नहीं मैं क्या कर गया है। तो चलो इसी के साथ ये व्लॉग कंप्लीट करते हैं, और आपको आवाज कम आ रही होगी तो गुड नाइट, सब सो रहे हैं, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बाय।